जिनके द्वारा हमें इस पूरे विषय का मार्गदर्शन मिलना है, ऐसे माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो सारस्वत सभा है इसके बीच उपस्थित होकर और जो आपकी संकल्पना है भविष्य के भारत की वो हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की कैबिनेट में मेरे साथी और काशी के ही वासी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, श्रीमान राकेश भटनागर जी, वरिष्ठ भाषा शास्त्री विद्वान कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, पीके जैन जी, सदाशिव द्विवेदी जी, कार्यक्रम के आयोजकों में से एक श्रीमान राकेश उपाध्याय जी और आज इस सभागार में उपस्थित सम्राट स्कंदगुप्त के समग्र जीवन पर दो दिन की जो गोष्ठी आयोजित की गई है उसके उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित विद्वजनों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस सभागार में उद्बोधन करना ये मेरे लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है, ऐसा मैं मानता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना की होगी, किसी को मालूम नहीं है उनके मन में क्या विचार रहे होंगे, परंतु इसके इतने सालों के बाद ये जरूर दिखाई पड़ता है कि इतने हजारों वर्ष की हिंदू संस्कृति को अक्षुण रखने के लिए ज्योतिर्धर बनकर ये विश्वविद्यालय आज दुनिया के बीच में अपना ध्वज लेकर अडिग खड़ा है और हिंदू संस्कृति को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने का काम। यहां से जो शिक्षा की पद्धति, शिक्षा के संस्कार, अनेक प्रकार के विषय जो लुप्त होने की कगार पर खड़े थे, उन विषयों का न केवल पुनर्जीवन, उसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा, ये सारा इस विश्वविद्यालय ने ऐसे समय में किया जब इस देश को, इस संस्कृति को इसकी जरूरत थी। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद अपराध भाव से युक्त, लघुता ग्रंथि से युक्त समाज जीवन को, अपने गौरव को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गौरव को पुनः प्रस्थापित करने के लिए जो चेतना, जो बोध का जरूरत होता है वो देने के लिए कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक विद्यापीठ ही कर सकती है, विश्वविद्यालय ही कर सकता है। और इस बात को नाप लेने का दूरदर्शिता केवल और केवल महामना में था और उन्होंने कहा व्यक्ति तो आती है और चली जाती है, विद्यापीठ और विश्वविद्यालय सालों सालों तक अपने छात्रों के माध्यम से इस ज्योतिधर बनकर इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारत का अभी का स्वरूप और आने वाले स्वरूप के लिए हम सब के मन में जो स्वस्थता है और जो शांति है, इसका कारण एक जमाने में ये विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। यही मैं भारत अध्ययन केंद्र को भी अभिनंदन देना चाहता हूं कि आज
सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन के बिखरे हुए ऐतिहासिक पन्नों को इकट्ठा करने का काम, संकलित करने का काम उन्होंने हाथ में लिया है। ये दो दिन के अंदर 7 चरण में अलग अलग विषयों पर संगोष्ठी होगी, चर्चा होगी। सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, शोध लेख प्रस्तुत किए जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को फिर से इतिहास की पन्नों पर पुनर्जीवित करने का काम ये 2 दिन की गोष्ठी करेगी, जिसने भारतीय संस्कृति को हमेशा के लिए बचाने का काम किया। मित्रों, जब मैं कहता हूं सम्राट स्कंदगुप्त ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषा को, भारतीय कला को, भारतीय साहित्य को, भारतीय शासन प्रणाली को, हमारी नगर रचना के साहित्य को हमेशा के लिए बचाने का प्रयास किया है, ये सत्य है। मैं इस पर बाद में आऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आज सिर्फ स्कंदगुप्त के विषय पर बात करने की जगह सम्राट स्कंदगुप्त के कालखंड के बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। मित्रों, महाभारत काल के 2000 साल के बाद ईस्वीसन पूर्व 300 से लेकर ईस्वीसन 500 तक ये 800 काल का कालखंड 2 बड़े शासन व्यवस्थाओं के नाम से जाना गया, मौर्य वंश और गुप्त वंश। और ये दोनों वंशों ने भारतीय संस्कृति को उस समय के विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर प्रस्थापित करने का काम किया था। चाणक्य के सांस्कृतिक और वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर जब चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बने, उसके बाद बिंदुसार, अशोक और कई सालों तक बाद में अव्यवस्था चलती रही। सम्राट अशोक के समय जो गौरवपूर्ण शांति और अहिंसा की बात थी, कालक्रम में जाते जाते पति का रोग उसको लगा और वो एक ढकोसला बनकर रह गई। उसने हमारी भाषाओं का विनाश किया, हमारी सरहदी सुरक्षाओं को भी क्षीण विण कर रख दिया, हमारी संस्कृति को भी क्षीण करने का भी काम किया। और एक ऐसा अंधकारमय समय देश के सामने आने लगा कि लगता था कि आचार्य चाणक्य का सपना क्षीण विक्षीण हो जाएगा। उसी वक्त गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है। एक हकीकत में उस वक्त मगध और वैशाली 2 बड़े स्तंभ माने जाते थे, शासन व्यवस्था के 2 प्रकार माने जाते थे, और एक विचार प्रवाह के भी 2 प्रकार थे। 2 प्रकार के विचारों को ये दोनों साम्राज्य प्रतिनिधित्व करते थे, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव सालों तक, लगभग 1000 साल तक चलता रहा। और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ा सफलता ये रही कि हमेशा के लिए वैशाली और मगध साम्राज्य के टकराव को समाप्त कर एक अखंड भारत की रचना की दिशा में गुप्त साम्राज्य आगे। जो महामात्य चाणक्य की, जो भगवान कौटिल्य की कल्पना थी, उसी दिशा में गुप्त साम्राज्य आगे बढ़ने का काम किया। अति शांति के कारण हमारी लश्करी शक्ति, हमारी सेनाएं क्षीण विक्षीण हो गई, और कई प्रकार के सांस्कृतिक और सैन्य आक्रमणों का भोग हमने बना। उसी वक्त वैशाली के अंदर श्री गुप्त और घटोत्कच गुप्त के नेतृत्व में एक शासन व्यवस्था चलती थी, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मगध के शासक बने। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र का शासक बनने के बाद कुमार देवी से विवाह किया, और वहीं से गुप्त वंश के सुवर्ण युग की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त और कुमार देवी के विवाह के बाद 319 से लेकर 334 तक क्षत विक्षत शासन व्यवस्था को संजोने का काम चंद्रगुप्त ने किया, उनके महामंत्री हरिसेन ने किया,
और कुमार देवी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया और बाद में सम्राट समुद्रगुप्त का समय आया और समुद्रगुप्त का समय विश्व के अंदर भारत के सुवर्ण युग के रूप में माना जाता है। उसने गुप्त युग को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। 335 से 380 का यह समय अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और गिरनार से लेकर बंग तक एक पूरे साम्राज्य का निर्माण करने का यश सम्राट समुद्रगुप्त को मिला। पहली बार कई सालों के बाद केरल के मट्ट राज को जब उन्होंने हराया, पहली बार राम के बाद केरल पर भी एक साम्राज्य का झंडा फहराने का काम किया। और ये गरुड़ ध्वज भागवत धर्म भगवा गरुड़ ध्वज अफगानिस्तान से लेकर केरल तक और सौराष्ट्र से लेकर बिहार तक बंग तक पहुंचाने का काम स्कंदगुप्त ने करा। और स्कंदगुप्त के बाद ये परंपरा आगे बढ़ी। रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य के नाम से माना गया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, ये पूरी परंपरा जो चली उसने भारत को एक स्तर की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। हर एक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, नगर रचना के क्षेत्र में, सैन्य रचना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, भीषक धर्म मतलब वैद्यकीय व्यवस्थाओं के अंदर, उस समय सारी व्यवस्थाओं के अंदर भारत समग्र विश्व के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका था। और उसी वक्त स्कंदगुप्त का जन्म भी हुआ, समय भी शुरू हुआ। और उसी वक्त एक महाविनाशक आक्रमण भारत पर होना शुरू किया और उससे बचाने का काम स्कंदगुप्त ने किया। मित्रों, विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को इतिहास में बहुत प्रसिद्धि मिली है, मगर इतिहास ने स्कंदगुप्त के साथ बहुत सारा अन्याय करने का काम किया है। शायद इतिहास ने स्कंदगुप्त के पराक्रम की जितना प्रशंसा होनी चाहिए थी उतनी प्रशंसा नहीं की। यही एक कालखंड था जहां उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। कालिदास का शाकुंतल, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत, विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र की रचना की, भारवी का किरातार्जुन, ये सारे साहित्य की रचना उसी कालखंड के अंदर हुई। मगर जब कुमारगुप्त बीमार हो गए, वृद्ध हो गए, उसी वक्त इस देश पर हूणों के आक्रमण की शुरुआत हुई। और हूणों के आक्रमण की कल्पना शायद आज के सभ्य समाज नहीं कर सकता है। आज विश्व की एक अजायबी मानी जाती है चीन की दीवार। बहुत कम लोगों को मालूम है कि चीन की हजारों किलोमीटर लंबी दीवार केवल और केवल हूणों से चीन को बचाने के लिए की गई थी और उसी के कारण चीन बच गया था। इतना प्रचंड आक्रमण, बर्बर आक्रमण करते थे, विनाश का एक तांडव खेला जाता था, बच्चों को मार देना, महिलाओं को उठाकर ले जाना, सामूहिक नरसंहार करना, पुस्तकालयों को जला देना, विद्यापीठों का नाश करना, मानो जैसे संस्कृति के विनाश का, संस्कार के विनाश का, विद्या के विनाश का प्रण लेकर निकले हो। इस तरह से दुनिया भर की अनेक संस्कृति को उन्होंने तहस नहस कर दिया और समूचा चीन अपने पश्चिम इलाके से ये जो आक्रमण आते थे इसकी 40 फीट ऊंची दीवार बनाने में बन गया। और मित्रों, चीन तो बच गया मगर उसके कारण रोम नहीं बचा, यूरोप नहीं बचा, इटाली और फ्रांस तक अटीला के आतंक से समग्र सभ्यता को, रोम, एथेंस, फ्रांस, इटाली, पूरा यूरोप ये हूणों के हमलों से खत्म हो गया। और उसके बाद में हूणों का भारत की ओर आक्रमण हुआ।
जिस तक्षशिला विद्यापीठ ने कई सारे विद्वान दिए, कई बड़े बड़े सेनानी दिए, बहुत बड़े बड़े भिषग वैद्य देने का काम किया, बड़े ज्योतिषाचार्य दिए, गणितज्ञ दिए, खगोल शास्त्री दिए, उस तक्षशिला विद्यापीठ को तहस नहस कर दिया। और जब ये समाचार पाटलिपुत्र पहुंचा तब कुमार गुप्त वृद्ध हो चुके थे, चिंता में थे कि क्या होगा, इसका सामना कौन करेगा। और उसी वक्त स्कंद गुप्त ने अपने आप को हूणों का सामना करने के लिए तैयार पाया, पिताजी को कहा मैं जाऊंगा और एक चतुरंगणी सेना लेकर वो समस्त हूणों को देश के बाहर करने के। और वो जो 10 साल का अभियान चला सौराष्ट्र के जूनागढ़ से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से आगे जाकर गंदार तक, अफगानिस्तान तक, समग्र देश के अंदर हूणों का विनाश करना, हूणों का संहार करना और हूणों को, हूणों से देश को मुक्त कराने का पराक्रम स्कंद गुप्त ने किया। और रोम को भी इतिहास का हिस्सा बनाने देने वाले, उखाड़ देने वाले हूणों को पहली बार विश्व के अंदर पराजय का स्वाद चखने का किसी ने सौभाग्य दिया तो परमवीर सम्राट स्कंद गुप्त ने दिया। और उनके ही वीरता के कारण समग्र देश के अंदर से हूण निकलते गए और ये बर्बर आक्रमण को निरस्त करने के साथ साथ उन्होंने सुखी और समृद्ध भारत की कल्पना भी करते गए। व्यवस्था की स्थापना करते 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 समग्र देश के अंदर वो हुए। और इसी के कारण उस समकालीन दुनिया के कई विद्वानों ने उसको महान सम्राट माना। जब मालूम पड़ा चीन के सम्राट को कि भारत ने हूणों का सफाया किया है, हूणों को परास्त किया है, हूणों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और इसी के कारण चीन भी सुरक्षित हुआ है, तो उन्होंने भारत के राजदूत को चीन में बुलाकर स्कंद गुप्त के लिए प्रशस्ति पत्र दिया और अपने खर्चे से वो प्रशस्ति पत्र वाचन के लिए विद्वानों को पाटलिपुत्र के दरबार में भी भेजा। चीन के सम्राट का यह प्रशस्ति पत्र मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, शायद ही इतना बड़ा एक्नोलेजमेंट वैश्विक स्तर पर भारत के किसी सम्राट को मिला था। और आज मैं मानता हूं कि सम्राट स्कंद गुप्त के पराक्रम को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी शासन चलाने की कला को, कई पहलुओं को आज ये 2 दिन के शिविर के अंदर चर्चा में लाया जाएगा। और फिर से एक बार स्कंद गुप्त को इतिहास के पन्नों पर पुनः प्रस्तापित करने का एक प्रयास यहां पर किया जाएगा। मित्रों, मैं जरूर मानता हूं कि स्कंद गुप्त ने कश्मीर को भी स्वतंत्र किया, देश को भी एक आक्रमण से बचाया, मगर इतनी बड़ी घटना इतिहास के पन्नों पर कहीं दिखी नहीं। कई बार बालमुकुंद जी भी कहते थे, बाकी सारे वक्ताओं ने किया कि हमारे साथ अन्याय किया है, मैं उनसे मतभेद रखता हूं। इतिहास का एक लक्षण है, जो शासन व्यवस्था को परिवर्तित करता है उसकी ही नोट इतिहास लेता है। और भारत के सम्राट कभी गंधार के उस पार नहीं गए, हमने किसी से शासन को नहीं छीना, हमारे साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। जब शासन नहीं बदलता है तो इतिहास इसकी नोट नहीं लेता। अपने इतिहास को संजोने की, अपने इतिहास को संवारने की, अपने इतिहास को फिर से रीराइट करने की जिम्मेदारी देश की होती है, जनता की होती है, देश के इतिहासकारों की होती है। कब तक हम अंग्रेजों को कोसते रहे, हमारे साथ अन्याय हुआ, अन्याय कौन रोक रहा है हमें लिखने से, कौन रोक रहा है? आज देश स्वतंत्र है, हमारे इतिहास का संशोधन कर रिसर्च कर संदर्भ ग्रंथ बनाकर लोकभोग्य भाषा में भी इतिहास को का पुनर्लेखन करते हुए हमें कौन रोक?
और हम किसी के साथ विवाद में न पड़े, जिन्होंने जो लिखा है लिखा है, हम अपनी दृष्टि से अपने इतिहास को लिखने का काम करें। मुझे भरोसा है क्योंकि हमारे लिखे हुए इतिहास में सत्य क्या तत्व है वो जरूर लोकभोग्य होगा, वो जरूर पॉपुलर होगा। परंतु भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास को लिखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई भारत के बच्चों को, कोई विद्यार्थियों को मालूम नहीं है कि इतना बड़ा सम्राट जो जूनागढ़ से लेकर अफगानिस्तान तक विजयी बना, जब वापिस पाटलिपुत्र पहुंचा तब उसकी अपर माने राजमाता अनंता देवी ने विवाद खड़ा किया कि उनके बेटे पुरुगुप्त राजा बनेंगे या स्कंदगुप्त बनेंगे, और स्कंदगुप्त ने जरा भी विवाद करे बगैर पुरुगुप्त को उसका राज्य का उपाध्यक्ष बनाया। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की और बाद में पुरुगुप्त राजा बने। इतनी बड़ी ऊंचाई को इतिहास संजोकर नहीं रख पाया। उन्होंने शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए ढेर सारे प्रशस्ति पत्र शिलालेख बनाने का काम किया और शासन व्यवस्था को नीचे तक व्यवस्थित करने का काम किया। स्कंदगुप्त का बहुत बड़ा योगदान दुर्ग की रचना, नगर की रचना और रेवेन्यू कलेक्शन के नियमों को उन्होंने पुनर्लेखन कर सांप्रत तरीके से नया जीवन देकर एक शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने का भी उन्होंने काम किया। मगर आज दुर्भाग्य की बात है कि इतने लंबे गुलामी के कालखंड के बाद स्कंदगुप्त के लिए, सम्राट चंद्रगुप्त के लिए स्टडी करने के लिए कोई 100 पेज भी मांगेगा तो उपलब्ध नहीं। इधर उधर बिखरे हुए शिलालेखों से इकट्ठा कर हम स्कंदगुप्त को आज स्मृति में जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सभागार में काफी इतिहास के विद्वान बैठे हैं, बालमुकुंद जी भी यहां बैठे हैं जो इतिहास संकलन के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह कि भारतीय इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण से पुनर्लेखन बहुत जरूरी है, मगर इसमें हमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। किसी का दोष है तो हमारा खुद का दोष है कि हमने इस दृष्टिकोण से लिखा। इतने सारे बड़े बड़े साम्राज्य हुआ, विजयनगर साम्राज्य हम संदर्भ ग्रंथ आज तक नहीं बना, मौर्य साम्राज्य हम संदर्भ ग्रंथ नहीं बना पाए, गुप्त साम्राज्य 8-8 सम्राटों का एक इतना बड़ा कालखंड हम संदर्भ ग्रंथ नहीं बना पाए, मगध का इतना बड़ा 800 साल का इतिहास हम संदर्भ ग्रंथ नहीं बना पाए, विजयनगर का साम्राज्य, शिवाजी महाराज का संघर्ष और उनके स्वदेश के विचार को एक छोटे से बच्चे के स्वदेश के विचार के कारण पूरा देश आजाद हुआ, पुणे से लेकर अफगानिस्तान तक, उड़ीसा तक और पीछे कर्नाटक तक एक बड़ा साम्राज्य बना, हम कुछ नहीं कर पाए। सिख गुरुओं के बलिदान को भी हमने इतिहास में संजोने की तस्ती नहीं ली। महाराणा प्रताप के संघर्ष और मुगलों के सामने हुआ संघर्ष की एक बड़ी लंबी गाथा को हमने संदर्भ ग्रंथ में परिवर्तित नहीं किया, और शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बनती, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखते। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया, आज भी वरना हमारे बच्चे उसको विप्लव के नाम से जानते होते। ये परिवर्तन जो करना है, मैं मानता हूं वामपंथियों को, अंग्रेज इतिहासकारों को या मुगल कालीन इतिहासकारों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमने हमारे दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, हमने हमारी मेहनत करने की दिशा को केंद्रित करनी पड़ेगी। क्या हमारे देश के इतिहासकार 200 व्यक्तित्व और 25 साम्राज्य को इतिहास का हिस्सा नहीं बना सकते? इस देश में 200 ऐसे व्यक्तित्व जिसके कारण
आज देश टिका है, देश यहां तक पहुंचा है। 25 ऐसे साम्राज्य जिसने अपने कालखंड के अंदर दुनिया को बहुत कुछ दिया है, अनेक प्रकार की विद्याएं दी हैं, उसको हम इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं रोकता हमें। कब तक वामपंथियों को गाली देंगे, कब तक हम दोस्त दिखाएंगे अंग्रेज इतिहासकारों को, उनके जाते हुए 70 साल हो गए। और अब समय आया है हमारे देश के इतिहासकारों को एक नए दृष्टिकोण के साथ इतिहास को लिखने का। और मैं अभी भी कहता हूं कि पहले जिसने लिखा है इसके साथ विवाद में मत पड़िए। इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है, हम सत्य को ढूंढकर सत्य को लिखने का काम करें। और मैं मानता हूं कि नया जो लिखा जाएगा, क्योंकि इसके साथ सत्य होगा, वो लंबा भी चलेगा, चिरंजीव होएगा और लोकभोग्य भी होगा। उस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश फिर से एक बार अपनी गरिमा पुनः प्राप्त कर रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी स्वीकृति आज जगह जगह पर दिखाई पड़ती है। पूरी दुनिया आज भारत के विचार को महत्व देती है। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इसका एक महत्व दुनिया के अंदर प्रस्थापित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री और आपके सांसद नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय आज इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अंदर मैं सबको बधाई तो देना ही चाहता हूं आयोजकों को कि उन्होंने सम्राट स्कंदगुप्त के लिए 2 दिन की संगोष्ठी का आयोजन कर इतिहास के बिखरे पन्नों को इकट्ठा कर एक पुस्तक बनाने का प्रयास किया है, और ये अभिनंदनीय है। मगर मैं साथ में सभी इतिहास के विद्वान जो इस सभागार के अंदर उपलब्ध है, मंच पर बैठे हैं, उनको भी एक अनुरोध करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश के साम्राज्यों का इतिहास हम बनाएं, हमारे देश के हर क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तित्व का जीवन चरित्र इतिहास का हिस्सा हम बनाएं। और ये परंपरा जो हमारे देश के अंदर सालों से चली है, अनेक सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक आगे बढ़े, इसकी हम शुरुआत करें। और मित्रों, आज मैं ज्यादा आशान्वित इसलिए हूं कि संगोष्ठी का स्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ये प्रांगण, यही जगह है जहां से भारत और भारतीयता का पुनरुद्धार हुआ है। यही जगह है जहां किसी व्यक्ति ने कल्पना की थी कि हम भले गुलाम हो, हमारे पास बहुत कुछ है, विश्व की सर्व समस्या का समाधान हमारी संस्कृति के अंदर पड़ा है। ये विश्वास के साथ महामना ने ये विद्यापीठ की स्थापना की थी। और आज यहां पर ही स्कंद गुप्त के पूरे जीवन पर 2 दिन की संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। ये महामानव सम्राट स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों के बर्बर हमलों से भारत को बचाया, दुनिया की अनेक संस्कृतियों का विनाश करने वाली हूण जाति को यहां से बाहर निकालने का काम किया, और जो बचे कुचे थे उसको शरण देकर आज मालूम भी नहीं पड़ता है वो कहां है, इस प्रकार से हमारे साथ मिलाने का काम। और आज इसी के कारण आज हमें बात करने की स्थिति में, रोम, एथेंस, यूरोप, सारी संस्कृतियों को ये बर्बर हमलों ने तहस नहस कर दिया था, हमारी संस्कृति आज फिर से ज्योतिर्धर बनकर दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। इसका कारण है कि सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों के हमले से देश को बचाने का एक प्रचंड पराक्रम किया था, और गाजीपुर के साथ ही स्थान है, उनके विजय का स्तंभ भी यहाँ है। और जब उनकी कुमार व्यवस्था थी तब सेना के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा भी यही गाजीपुर के जंगलों में हुआ करती थी। तो पूर्वांचल के साथ
स्कंद गुप्त का बहुत नाता रहा है, वहीं पर आज ये संगोष्ठी की शुरुआत हो रही है। मैं फिर से एक बार सभी आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने एक उचित विषय को संगोष्ठी के लिए चुना है और स्कंद गुप्त के जीवन के बिखरे हुए पन्नों को फिर से पुस्तक के रूप में संकलित करने का यह प्रयास ईश्वर करे सफल हो और आने वाले सालों तक स्कंद गुप्त के जीवन से हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेकर भारत के संस्कृति के ध्वज को आगे बढ़ाती रहे, यही ईश्वर प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। अभी बैठे रहिए, अभी कोई उठिए नहीं अपने स्थान से कृपया, अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी शेष हैं। मैं माननीय